नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, नायक विशाल छेत्री का जो ब्रीफिंग करने का तरीका था, उसको सुनकर जेसीओ जवानों के साथ अफसर भी खुश हुए। दोस्तों, जब भारतीय सेना के जवान टैंक को डिसमेंटल करके असेंबल कर सकते हैं, मिसाइल चला सकते हैं, अपना सर्वोच्च बलिदान दे सकते हैं, तो सोचो क्या नहीं कर सकते। देखें कैसे नायक विशाल छेत्री ने ब्रीफिंग दिया। मैं उनकी जुबान से कुछ महत्वपूर्ण अंश आपको सुनवाता हूं। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। वेलकम, मैं नायक विशाल छेत्री, 3rd बटालियन D9 गोरखा राइफल चिंडेट 56 माउंटेन ब्रिगेड की तरफ से आप सभी लोगों का इस कारगिल वॉर मेमोरियल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। यह कारगिल वॉर मेमोरियल कारगिल शहीदों की याद में नवम्बर 2004 को बनाया गया था। इस कारगिल वॉर मेमोरियल को यहाँ बनाने का मुख्य कारण यह था कि कारगिल युद्ध का एक बड़ा भाग दराज सेक्टर में ही लड़ा गया था। इसके अलावा आप लोग जिस स्थान पर खड़े हैं, यहाँ से उन पहाड़ियों की चंदे चोटियां नजर आती है जहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी अपना कब्जा जमाए बैठी थी, जिनके नाम इस प्रकार है। आपके सामने जो पहाड़ी दिखाई दे रही है, नाम तोलोलिंग। अगर आप लोग अपनी नजर थोड़ा बाएं की ओर स्काईलाइन पर ले जाए तो 3 पिंपल दिखाई देते हैं जो अभी बादलों के कारण दिखाई नहीं दे रहे हैं, नाम तोलोलिंग टॉप। तोलोलिंग टॉप से बाएं की ओर बढ़ता हुआ इस पर अगर आप लोग अपनी नजर पूरा बाएं की ओर स्काईलाइन पर ले जाएं तो 2 नोकीली चोटियां दिखाई देती है। दाहिने वाली नोकीली चोटी जो अभी बादलों के कारण दिखाई नहीं दे रही है, नाम टाइगर हिल। टाइगर हिल से बाएं की ओर बढ़ता हुआ इस पर उसी स्पर पर दूसरी नोकीली चोटी जो हल्की बर्फ से घिरी हुई है, नाम राइनोहॉर्न। टाइगर हिल और राइनोहॉर्न के बीच चंद एक पोस्ट है जो यहाँ से दिखाई नहीं देते, जिनके नाम इस प्रकार हैं: इंडिया गेट, हेलमेट टॉप, शिवलिंग पोस्ट और रॉकी नॉप। वापस राइनोहॉर्न। राइनोहॉर्न से बाएं की ओर बढ़ता हुआ इस पर सबसे बाएं वाला ऊंचा टॉप जो पूरा बर्फ से ढका हुआ है, जो कि फार डिस्टेंस पर दिखाई दे रहा है, नाम 0.4875। 0.4875 को हम बत्रा टॉप के नाम से भी जानते हैं क्योंकि कैप्टन विक्रम बत्रा यहाँ दुश्मनों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। आप लोग जिस रास्ते से आए हैं उसे NH1 के नाम से जाना जाता है। यह रास्ता लेह और कारगिल को श्रीनगर से जोड़ता है। घुसपैठ होने के मुख्य कारण यह थे कि शिमला समझौते के तहत 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच यह एग्रीमेंट साइन हुआ था कि विंटर के सीजन में दोनों देश की सेनाएं LOC को छोड़कर कम बर्फीले वाले स्थान पर चले जाएंगे, क्योंकि सर्दियों के मौसम में दोनों देशों की सेनाओं को यहाँ रहने में काफी मुश्किलें होती थी। सर्दियों के मामले में यह स्थान विश्व में दूसरे और एशिया में प्रथम स्थान पर माना गया है। 9 जनवरी 1995 में यहाँ का टेम्परेचर -60 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। 1998 के विंटर के दौरान जब हमारी भारतीय सेना LOC को छोड़कर कम बर्फीले वाले स्थान पर चली गई, तो धोखे से पाकिस्तानी सेनाओं ने हमारे पोस्टों पर कब्जा कर लिया। 99 के समर के दौरान जब हमारी भारतीय सेना दोबारा अपने पोस्टों पर गई, तो देखा गया कि पाकिस्तान आर्मी के 3 इन्फेंट्री ब्रिगेड तकरीबन ऐसी 400 चोटियों पर अपना कब्जा जमाए बैठे थे। यह इलाका घुमरी से लेकर साउथ ग्लेशियर तक तकरीबन 150 किलोमीटर एरिया कैप्चर किया हुआ था। कारगिल युद्ध 20 मई 1999 को शुरू हुआ और 26 जुलाई 1999 को समाप्त हुआ, इसीलिए प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को विजय दिवस के रूप में इस कारगिल वॉर मेमोरियल पर मनाया जाता है। कारगिल युद्ध के दौरान जिन जिन बटालियनों ने हिस्सा लिया, उन सभी बटालियनों के ऑफिसर, जूनियर कमीशन ऑफिसर और जवानों ने भारत माँ की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है, उन सभी के नाम इस कारगिल वॉर मेमोरियल की दीवार पर दर्ज है। यह कारगिल वॉर मेमोरियल कारगिल युद्ध का गवाह है। आप लोगों के भाई 1947 से लेकर अब तक इस इलाके में जितने भी शहीद हुए, उन सभी शहीदों की वीर भूमि तैयार की गई है जिन्हें आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों के दाहिने बटालियनों की हिस्ट्री है, जिन बटालियनों ने कारगिल युद्ध के दौरान हिस्सा लिया था, ऑपरेशन विजय के कुछ फोटोग्राफ और पाकिस्तान आर्मी के कैप्चर किए गए हथियार, अम्युनिशन, इक्विपमेंट जिन्हें आप लोग देख सकते हैं। इस कारगिल वॉर मेमोरियल की दीवार पर कारगिल युद्ध के सभी शहीदों के नाम सुनहरे अक्षरों से दर्ज किए गए हैं। आप लोगों के सामने नेशनल फ्लैग, पोल की लंबाई 100 फीट, फ्लैग का साइज 37x25 फीट, फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया द्वारा 26 जुलाई 2012 को
विजय दिवस की 13वीं वर्षगांठ पर उपहार स्वरूप भेंट किया गया था। इन शहीदों के बलिदान को हम किन्हीं भी शब्दों में बयान नहीं कर सकते। हम इन्हें सलाम करते हैं, ये देश इन्हें सलाम करता है। अंत में मैं आप सभी लोगों से यही गुजारिश करना चाहूंगा कि आओ झुककर करें सलाम उन्हें जिनके मुकद्दर में ये मुकाम लिखा होता है। बड़े ही खुशकिस्मत है वे लोग जिनका लहू देश के काम आता है। जय हिंद। तो दोस्तों, आपने नायक साहब का मनोबल देखा, उनका एक्सप्लेन करने का तरीका देखा। अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक जरूर देना उनकी हिम्मत बढ़ोतरी के लिए। और फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।